एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाम में आज हम बात कर रहे हैं तीस अढ़ाय भाव के बारे में। आपके जो कुंडली में लग्न से तीसरा भाव, छठा भाव और ग्यारहवा भाव को तीस अढ़ाय भाव कहते हैं। और जब भी इन भावों की दशाएं अंतरदशाएं चलती है तो व्यक्ति को जीवन में सफलताएं तो मिलती है, पर साथ साथ में आपको स्वयं के लिए परेशानियां भी उत्पन्न करती है, क्योंकि ये जो भाव होते हैं ये आपको विपरीत परिस्थिति से लड़ने का मौका देते हैं। तथा इसमें जो तीसरा भाव है साहस का है और आपकी इच्छा का है, तो आप साहस और इच्छा जताते हुए अपने कार्य करते हैं। और छठा भाव जो है आपका प्रतियोगिता का है और प्रतियोगिता करते हुए आप इसमें संघर्ष भी करते हैं और शत्रुओं का सामना भी करते हैं, तो ये छठा भाव यहाँ इसका महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो ग्यारहवा भाव है आपका इच्छा पूर्ति का है और लाभ का है, तो इससे आपको वैभव वगैरह आदि प्राप्त होता है। तो इस तरह आपने देखा कि जब भी इनका भावों की दशाएं अंतरदशाएं चलेगी तो आपको उन्नति भी होगी, और साथ साथ में अगर दसों भाव पे जुड़ जाता है तो उपचय भाव कहलाता है, उनका भी संबंध इन भावों से बनता है। तो आपको बहुत ही मान सम्मान और औधा उन्नति और लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। परंतु जब भी तीसरे भावों की दशाएं अंतरदशाएं चलती है तो व्यक्ति को हमें जीवन में संघर्ष करते हुए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए और लाभ प्राप्त करते हुए आप अपना मुकाम बढ़ा सकते हैं। आपको ये सब चीज़ें लाइफ में उन्नति हो सकती है, परंतु साथ साथ में आपको जो आप स्वयं हैं आपको उससे मानसिक परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है, रोग भी हो सकते हैं, और उससे भी आप मानसिक तौर से आप परेशान भी हो सकते हैं। तो ये दोनों सारी चीज़ें साथ साथ में चलती है। तो आप भी अपनी कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं कि किस तरह से ये जब दशाएं अंतरदशाएं चल रही है तो आपको किस तरह से फल प्राप्त हो रहा है। तो आपको हमारी ये चैनल जो है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है अगर पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।